स्टिलनेस इज द की बाय रायन हॉलिडे। आपने अपने डिवाइस को, आपने अपने मोबाइल को कब आखिरी बार इग्नोर किया था? नोटिफिकेशन, मैसेजेस, सब कुछ साइलेंट करके आप उस वक्त के अंदर थम गए थे। ऐसा आखिरी बार कब हुआ था? हमें यकीन है कि इस नॉइसी डिस्ट्रैक्टिंग वर्ल्ड में यह काम करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बड़े बड़े थिंकर्स ने और लीडर्स ने यह काम किया था जिसकी वजह से उनकी लाइफ सक्सेसफुल थी। वह था स्टिलनेस। उन सभी ने स्टिलनेस को प्रैक्टिस किया था। दुनिया के जितने भी वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट, प्लेयर, लीडर्स, ऑथर्स और क्रिएटिव पर्सन हैं, उन सब में एक चीज कॉमन है जिसे दुनिया के अलग अलग रिलीजन अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन उन सब का एक ही मतलब है जिसे रायन हॉलिडे स्टिलनेस कहते हैं। स्टिलनेस का मतलब खराब से खराब और अच्छे से अच्छे सिचुएशन में भी अपने मन को स्थिर रखने की कला है। स्टिलनेस की हम सबको जरूरत है, लेकिन जो लोग कुछ अलग करना चाहते हैं, जो लोग रिमार्केबल वर्क प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जिसे लाइफ डिफॉल्ट मोड पर नहीं लाइफ डिजाइन करके जीनी हो, उनके लिए स्टिलनेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं जो सिर्फ साधु संत और सन्यासी को पता होनी चाहिए। यह कला है जिसे सीखकर आप अपनी फील्ड में, वह अपनी लाइफ में, रिलेशनशिप, मनी, फेम, हैप्पीनेस, मास्टरी और बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। इस आर्ट को आज तक सामान्य लोगों से छुपाया गया है, क्योंकि इसे रियल लाइफ में अप्लाई करके सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिलते हैं। चाहे आप प्लम्बर हो या प्रेसिडेंट, आपकी लाइफ में स्टिलनेस काफ़ी मायने रखती है। रायन हॉलिडे ने दुनिया के सारे अलग अलग रिलीजन को स्टडी किया, तब उनको सब में एक चीज़ कॉमन देखने को मिली, जो है इनर पीस। सभी रिलीजन में स्टिलनेस को ही हैप्पी मीनिंगफुल लाइफ की माना गया है। आखिरकार सभी रिलीजन हमें शांति की ओर ले जाने को ही कहते हैं। इसी से इंस्पायर्ड होकर रायन हॉलिडे ने स्टिलनेस इज द की बुक लिखी। रायन कहते हैं कि अभी हम एक ऐसी नॉइजी वर्ल्ड में जी रहे हैं जहाँ पर हर एक चीज़ हर वक्त हमारा अटेंशन चाहती है। मैसेजेस, नोटिफिकेशन और न्यूज़ से हम जरा भी दूर नहीं हैं। आज हमें कोई भी चीज़ जब चाहे तब डिस्टर्ब कर सकती है। हर वक्त आर्ग्यूमेंट और अपडेट्स हमारे आसपास ही घूमते रहते हैं। हिस्ट्री कहती है कि अपने माइंड को कंट्रोल करके अपने अंदर पीस बनाए रखना, अपने इमोशन पर कंट्रोल पाना एक्सट्रीमली एक डिफ़िकल्ट टास्क है। मास्टर्स का मानना है कि डेडिकेशन और इंस्ट्रक्शन के जरिए धीरे धीरे हम स्टिलनेस को पा सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि मेडिटेशन के अलावा भी कई सारी डे टू डे एक्टिविटीज़ है जिससे हम स्टिलनेस को अचीव कर सकते हैं। इसलिए हम कुछ ऐसे प्रिंसिपल को जानेंगे जिसके द्वारा हम स्टिलनेस के कुछ ना कुछ करीब तो पहुँच ही जाएंगे। मैनेज योर इनपुट्स। 1990 में वैज्ञानिकों ने CNN इफेक्ट को जाना। 24/7 ब्रेक लेस मीडिया कवरेज, अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन का फ्लो हमें रिएक्टिव होने के अलावा कुछ और भी करने को इंस्पायर नहीं करता। आज हमारे पास हद से कुछ ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन है और एंटरटेनमेंट अवेलेबल है, जितनी हमें ज़रूरत भी नहीं। प्राचीन काल से ही हमारा ब्रेन कुछ पैटर्न्स में बिल्ड होने की वजह से वह हर वक्त एंटरटेनमेंट चाहता है, क्योंकि उसे लगता है जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करेंगे उतने ही हमारे सर्वाइवल के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। इसलिए हम हमारा प्रीसियस टाइम मीडिया के ड्रामा और डिस्ट्रैक्शन, जैसे कि न्यूज़, सोशल मीडिया, वेब सीरीज, टीवी और दूसरों के साथ आर्ग्यूमेंट करने में स्पेंड कर देते हैं। अमेरिकन इकोनॉमिस्ट और कॉरपोरेटिव साइकोलॉजिस्ट हर्बर्ट सिमन कहते हैं, ए वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन क्रिएट्स ए पॉवर्टी ऑफ अटेंशन। इस बात को शायद आप मानोगे नहीं, लेकिन गूगल पर आपके पास इंफॉर्मेशन की वाइड वैरायटी मौजूद है। इसकी वजह से आप में से अभी कुछ लोग इस वीडियो को देखने के साथ साथ कुछ न्यूज भी सुन रहे होंगे, या फिर इससे कुछ अच्छे वीडियो की तलाश में होंगे, स्क्रॉलिंग कर रहे होंगे, फिर उस वीडियो को देखते वक्त भी यही एक्टिविटी करेंगे। आखिर में काफ़ी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के बावजूद भी उन्हें अच्छा महसूस नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को स्टिल रख के कोई एक काम करने के लिए ट्रेन नहीं किया है। इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए 4-hour week के ऑथर टिम फेरिस ने एक सोल्यूशन दिया है, जिसे वह लो इन्फॉर्मेशन डाइट कहते हैं। लो इन्फॉर्मेशन डाइट का मतलब माइंड के लिए उपवास। इंटरनेट की वजह से हमारा डेली मीडिया कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिसमें अनहेल्दी चीज़ें जैसे कॉमन न्यूज, चटपटी खबरें, दूसरों के पर्सनल लाइफ की बातें, ऐसी चीज़ बताई जाती है जिससे थोड़ा गहरा सोचने पर पता चलेगा उस इन्फॉर्मेशन को पाने से आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। अभी लोग अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए जिम जाने लगे हैं, ग्रीन टी पीने लगे हैं, अपनी डाइट पर भी ध्यान देने लगे हैं। यानी कि उनके बॉडी में क्या जाएगा इस पर उनका पूरा कंट्रोल है, लेकिन उनके माइंड में क्या जाएगा इस पर उनका कुछ भी कंट्रोल नहीं है। क्योंकि आप इस स्क्रीन में देख रहे हो, उस स्क्रीन से किसी को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। अभी हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां न्यूक्लियर वेपन से ज़्यादा खतरा इस स्क्रीन से है, क्योंकि इसी से लोगों को हंसाया जाता है, रुलाया जाता है, अच्छा महसूस कराया जाता है, बहुत ही आसानी से किसी के खिलाफ भी भड़काया जा सकता है।
अगर आपने नोटिस किया हो तो आजकल एड्स में ब्यूटीफुल मॉडल्स को ही दिखाया जाता है, क्योंकि वह हमारे माइंड के डीप इमोशन को टारगेट करना चाहते हैं, जिससे बहुत ही आसानी से हमारा अटेंशन पा सकें, क्योंकि हम ओवर स्टिमुलेटेड होते हैं। कभी कभी एक छोटा सा रेड कलर का नोटिफिकेशन हमारे कई सारे घंटों को बर्बाद कर देता है। इसलिए अगर हम अपनी अर्ज को कंट्रोल करके अपनी इम्पल्स को इग्नोर करना सीख लें तो हम अपने मेंटल टफनेस और स्टेबल माइंडसेट को पा सकते हैं, जो इजीली फोकस करके वर्क कर सके। यहाँ पर कहने का मतलब यही है, जैसे हम हेल्दी फ्रूट्स को ही खाते हैं, सड़े हुए फ्रूट्स को खाने के पहले सोचते हैं फिर उसे इनकार कर देते हैं, उसी रूल को इन्फॉर्मेशन कंजम्पशन में भी अप्लाई करो। ऐसे वीडियोस, आर्टिकल, ब्लॉग्स को थोड़ा सोचने के बाद ही कंजम्पशन करो, जिससे आपका माइंड थोड़े ही दिनों में क्लियर सोचने वाला बन जाएगा, जो सक्सेसफुल लोग आपको नहीं बताते। इनका जितना कंट्रोल इनके पेट में जाने वाले आइटम्स पर होता है, उससे भी ज़्यादा कंट्रोल वो अपने माइंड में जाने वाली चीज़ों पर रखते हैं। हमें भी लगता था कि यह बड़े लोग सिर्फ स्टाइल मारने के लिए पीए रखते हैं, लेकिन अब समझ में आया कि उनका टाइम सबसे ज़्यादा वैल्यूबल होता है। अगर कोई भी आकर उनको कभी भी डिस्टर्ब करे तो वह कभी भी ग्रेट वर्क प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। उनके असिस्टेंट उनके गेट कीपर होते हैं, जो कॉमन प्रॉब्लम्स को उनके पास तक नहीं पहुंचने देते, जो कि मास्टरफुल अटेंशन से काम करते हैं। इसलिए उनका टाइम और अटेंशन प्रोटेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है। लोगों के बीच एक बहुत अच्छी कहावत है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, मतलब अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटपुट पाना चाहते हैं तो आपको अपने इनपुट पर कड़ी नज़र रखनी होगी, क्योंकि जितना अच्छा रॉ मटेरियल होगा उतना ही अच्छा प्रोडक्ट भी होगा। गेट रिड ऑफ योर स्टफ। मेंटल और स्पिरिचुअल क्लियरिटी आप तभी अचीव कर सकते हो जब आपके फिजिकल चीज़ों की आपके अटेंशन की ज़रूरत ना पड़े। यानी कि बेस्ट कार वो नहीं जिसे लोग देखते ही रह जाएं, बेस्ट कार वो है जिसका आपको बहुत कम ख्याल रखना पड़ेगा। बेस्ट कपड़े वो नहीं जो फैशनेबल ब्रांड के और एक्सपेंसिव हो, बेस्ट कपड़े वह हैं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा कम्फर्टेबल हों। कई बार लोग अपने कम्फर्ट के लिए महंगी चीज़ें खरीद लेते हैं, बाद में उन चीज़ों का ख्याल रखना ही उनका हेडेक बन जाता है। अपने सराउंडिंग पर कंप्लीट कंट्रोल किए बिना आप स्टिलनेस को अचीव नहीं कर सकते। यानी कि जितनी ज़्यादा चीज़ें आपके पास होंगी उतना ही ज़्यादा टाइम उसका ख्याल रखने में जाएगा। इसलिए चाइनीज़ फिलोसोफर शुंजी कहते हैं कि एक समझदार इंसान चीज़ों को गुलाम बनाता है, वहीं एक बेवकूफ़ इंसान चीज़ों का गुलाम बन जाता है। बिल्ड ए रूटीन। कुछ लोगों के लिए सुबह उठते ही एंडलेस क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, कितने बजे उठना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, कौन सा काम पहले करना है। ऐसे क्वेश्चंस खामोखा ही आपके दिमाग को ख़राब कर देते हैं। इसलिए रूटीन ज़रूरी है, क्योंकि जब आपकी बॉडी एक्टिविटी से फेमिलियर होगी तब आपका दिमाग रिलैक्स हो सकता है, तो वो मोनोटोनी आपकी मसल मेमोरी बन जाती है। उदाहरण के लिए, कई बार आप कॉलेज से ऑफिस घर पहुंच जाते हो, आपको याद भी नहीं रहता कि कब आपने ब्रेक लगाई, कब गियर चेंज किए, क्योंकि वो गियर ब्रेक लगाने की प्रोसेस पास्ट में हुई रिपीटेशन मेमोरी बन गई होती है, जो अपना काम करती है। यानी कि बॉडी के मसल्स मेमोरी एक्टिविटी से फेमिलियर हो जाने की वजह से आपका ब्रेन गहरी सोच में जाकर काम कर सकता है। लेकिन आप जो भी मानो, आज दुनिया में जितने भी गेम चेंजर्स लोग हैं उन सबके पास अपने अपने रूटीन हैं। यही रूटीन उनकी स्ट्रेंथ की कारण है। स्टिलनेस सिर्फ मेडिटेशन से हासिल की जा सकती है, यह गलत बात है। स्टिलनेस को पाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसके आउटकम स्ट्रेंथ, टफनेस, हैप्पीनेस, कंट्रोल ओवर इमोशन और इनर पीस है। इस बिजी 21st सेंचुरी में स्टिलनेस आपकी एक यूनिक स्किल बन सकती है, जिससे आप हाई प्रेशर सिचुएशन में भी एक अल्फा मेल की तरह क्लियरिटी से सोच सकते हैं, साथ ही बहुत आसानी से उस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। गोल्डन नगेट्स। अगला सुपर पावर उन्हीं लोगों के पास होगा जिनको अपने माइंड में जाने वाली इंफॉर्मेशन का पूरा कंट्रोल हो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन से परसेप्शन और परसेप्शन से ही ह्यूमन बिहेवियर जनरेट होता है। इन सभी बातों को फॉलो करके आप वो सब पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, और शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो की बातों को सीख कर स्टिलनेस को अचीव कर सकें। और अगर आप अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो, नहीं तो लेफ्ट वाली वीडियो को देखकर आप खुश रहना तो सीख ही जाओगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।